तो हाँ जी दोस्तों, क्या चल रहा है। देखो भाई, आज की वीडियो मैंने आपको टोटल दो लूट दूंगा, टोटल दो लूट, और दोनों लूट भाई एकदम खतरनाक लूट है, ठीक है। कोई भी इस लूट को मिस मत करना, भले भाई करना मत करना, ठीक है, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर से देख लेना। दोनों लूट को कैसे लूटना है आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो अभी ना भाई, एक ऐसा लूट आपको दूंगा जिसमें ना आपको डेली का अर्निंग होगा 30 से 40 रुपये का, डेली का, और कुछ करना भी नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना, ठीक है। ये लूट आ रहा है भाई कीवी ऐप की तरफ से। हो सकता है भाई बहुत लोगों को पता होगा इसके बारे में, जिनको नहीं पता भाई मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे ये आपको यूज़ करना है। बेसिकली भाई ये कीवी ऐप ना आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा, जाकर सीधा आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। और ये भाई स्पेशल ये पैसा सेंड करने के लिए या पैसा रिसीव करने के लिए पेटीएम जैसा कुछ ऐसा ही काम करता है, ठीक है। अभी आपको बताता हूँ, सबसे पहले डाउनलोड को इसको ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पर लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना। मोबाइल नंबर वही डालना भाई जो कोई ना कोई बैंक से लिंक हो, जो मोबाइल नंबर आप डालोगे वो बैंक से कोई ना कोई बैंक से लिंक होना चाहिए, ठीक है। वहीं इसमें मोबाइल नंबर डालना, क्योंकि आगे आप उसमें बैंक ऐड करने वाले हैं, ठीक है। जो बैंक लिंक होगा इस मोबाइल नंबर से, वही बैंक हम ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो वही नंबर डालकर वो यहाँ पर गेट ओटीपी क्लिक करके ओटीपी डालना। जैसे ओटीपी डालोगे ना भाई, आप यहाँ पर नीचे बोला गेट स्टार्ट करने के लिए, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना। उसके बाद आपको यहाँ से छोटा मोटा बोला क्या इसे कंप्लीट करने के लिए पैन कार्ड का नंबर मांगेगा, ठीक है। बस वहीं और कुछ नहीं मांगे, कंटिन्यू पर क्लिक करना। उसके बाद पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना। पैन कार्ड का नंबर भाई आप चाहो तो फेक भी डाल सकते हो, ठीक है, फेक भी डाल सकते हो इसमें। लेकिन भाई मैं सजेशन दूंगा ना कि आप डालना आप खुद का अपना रियल पैन कार्ड जो 18 साल से ऊपर हो गया, ठीक है, किसी का भी। अगर नहीं आपके पास पैन कार्ड है तो आप गूगल से जाना, सर्च मारना कोई पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन भाई अच्छा रहेगा कि आप अपना खुद का डालो, क्योंकि आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसमें पैन कार्ड का नंबर डालना, जैसे ही पैन कार्ड नंबर डालोगे उसके बाद यहाँ पर बोलेगा कि पैन कार्ड का नाम क्या है। तो जो भी पैन कार्ड पर नाम होगा ना, वो पैन कार्ड यहाँ पर डाल देना, नाम डाल देना। उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले नाम में पूछेगा, तब पर कुछ भी नाम डाल सकते हो, ठीक है, अपना कुछ भी मतलब डाल सकते हो। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ में आप कुछ भी डाल दो। उसके बाद यहाँ पर मेल फीमेल डाल दो, उसके बाद आप मैरिड का अनमैरिड और डाल दो। उसके बाद आपको यहाँ पर मदर नेम और फादर नेम मांगेगा, बस यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, इसमें जरूरी नहीं कि आपको सही डालो, ठीक है, कुछ भी डालो। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आई डी डालना। उसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड मांगेगा, लेकिन भाई यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है, पिन कोड आपको गलत डालना है, ठीक है। जैसे कि मैं मान लो, देखो मैं पिन कोड डाला तो ये रेड गफ हो गया। अभी मैं मान लो मैं सही पिन कोड डालूंगा तो ये सही हो जाएगा, मतलब आपको उस करेक्ट पिन कोड नहीं, जो ये सही होगा ठीक हो गया ना, तो ये पिन कोड नहीं डालना, आपको गलत पिन कोड डालना है। जैसे आप डालोगे तो ये वाला ऑप्शन आना चाहिए, जो कि पिन कोड इनकोरेक्ट दिखा रहा है, और ये नीचे स्टार्ट यूजिंग सेविंग UPI का ऑप्शन, ये वाला आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है पिन कोड तो आप यहीं भी डाल सकते हो, ठीक है। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे इस होम पेज पर। अब इसके लिए भाई इसमें आपको बस पैसा सेंड करने वाला है, तो आपको यहाँ इसमें आप बैंक ऐड करना है, ठीक है। ऊपर में सेटअप पेपर या लिंक बैंक अकाउंट पर क्लिक करोगे बैंक ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर बैंक क्लिक करके और कंटिन्यू पर क्लिक करना। उसके बाद जो भी आप नंबर से बनाए हो वो नंबर इस पर सेलेक्ट करना कि कौन सा आपका सिम है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बैंक कार्ड चूज करना है कि आपका कौन सा बैंक इसमें लिंक है उस नंबर से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेरा पेटीएम से लिंक है, तो मैं यहाँ पर पेटीएम क्लिक करके और इसको लिंक करता हूँ। तो देख सकते हो लिंक UPI पर मेरा लिंक भी हो गया, और इस पर मैं कंटिन्यू करता हूँ। जैसे कंटिन्यू करूँगा तो बस डन हो गया, मेरा लिंक हो गया बैंक अकाउंट इस ऐप में। इसमें आपको दो फायदा मिलेगा, दो प्रॉफिट होगा। पहला ये कि भाई आपको इसमें एक UPI ID मिल रहा है, जो कि ऊपर में होगा। ये UPI ID, ये एक न्यू UPI ID बनाई इस ऐप के लिए, जो कि भाई आप कहीं भी किसी एप्लीकेशन में डालकर और पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, मतलब रिसीव कर सकते हो आपके अपने बैंक अकाउंट में, ठीक है। और भाई ये ट्रस्टेड ऐप है, जो कि एक्सिस बैंक रुपए पे का पार्टनरशिप है, और ये प्ले स्टोर पर भी ऐप है, तो भाई ट्रस्टेड है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें पहला UPI ID मिल गया। उसके बाद भाई दूसरा आपको बता रहा हूँ कि आपको इसमें डेली का कैशबैक कैसे मिलेगा। डेली के 30 से 40 रुपये का अर्निंग डेली हुआ है। सबसे पहले इसमें देखो सेंड मनी का ऑप्शन दिख रहा है, स्कैन पे बैंक ट्रांसफर ऐसे दिख रहा है, ठीक है। आपको सेंड मनी पर क्लिक करके UPI ID पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ना अपने किसी भी दूसरे UPI ID पर आपको पैसा सेंड करना है, बस उसके बदले आपको यहाँ पर पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब आपने इस अकाउंट से दूसरे किसी UPI ID पर आप फ्रेंड का हो या अपना खुद का हो, ठीक है, उस पर भेजना है, और मिनिमम 50 रुपया उससे अधिक भेजना, ठीक है। 50 रुपये से आपको कम नहीं भेजना है, 50 रुपये से ज़्यादा आपको भेजना है, 51, 52, 53 ऐसे करके आपको मिनिमम 50 भेजना ही है, ठीक है। जैसे ही इस पर सेंड करोगे तो आपको यहाँ पर देखोगे एक आ जाएगा स्वाइप टू विन का ऑप्शन। जैसे ही इस पर क्लिक करो तो आपको कॉइन मिलेगा कीवी को। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्राइस क्या है, क्यूवी कॉइन का जो कि आप मिला है इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको ना सिंपली ऐसे ही करके आपको टोटल आप अपने UPI ID पर जितनी बार आप पेमेंट सेंड कर सकते हो एक दिन में, आप अपने दूसरे किसी भी UPI ID पर 51, 52, 50 ऐसे करके आप सेंड करो। उसके बाद आपको कॉइन मिलते जाएंगे, ठीक है। मैं आप इसमें ना डेली का मतलब 20 UPI ID सेंड कर सकते हो, 20 बार आप सेंड ट्रांजेक्शन कर सकते हो। जैसे करोगे तो भाई इस तरह का देखो ऑप्शन जाएगा कि आप भाई यहाँ पर पेमेंट नहीं होगा क्योंकि आप लिमिट से ज़्यादा कर चुके हो एक दिन का, ठीक है। तो भाई एक दिन में आप 20 ही ट्रांजेक्शन कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आपका UPI हो जाता है ना UPI वाला, भाई एक और तरीका बताऊँ, भाई यहाँ पर स्कैन वाला सिस्टम भी, ठीक है भाई। इसमें स्कैन पर ना आपको किसी भी QR कोड पर आपको स्कैन करके सेम वही प्रोसेस करना
करना है, आपको 50 रुपये, 51 रुपये, 52 रुपये ऐसे करके सेंड करना है। बस किसी के क्यू आर कोड पर, चाहे पेटीएम का, फोनपे का, गूगल पे का, किसी का भी क्यू आर कोड हो, ठीक है, उस पर आपको पैसा ऐसे ही सेंड करता है। इसमें करूँगा तो भाई देखो फिर से यहाँ पर पैसा होने वाला, सेंड होने लगा, ठीक है, इसमें भी आपको कॉइन मिलेगा। टोटल देखो मेरा कॉइन 76 कॉइन है, ठीक है, 76 कॉइन। देखो भाई ऐसे करके ना आपको 52-50 करके आपको ऐसे ही सेंड करना है, और ये भाई आप स्कैन करके ना डेली का शायद 20 से 25 ऐसे ही सेंड कर सकते हो, इसमें भी लिमिट है, ठीक है। जैसे ही इसका भी लिमिट खत्म हुआ तो वैसे ही सेम प्रोसेस सेम आता है कि आप इसमें डेली का इतना ही लिमिट कर सकते हो, फिर आप अगले दिन करते हो। ऐसे आप डेली UPI ID पर और स्कैन करके डेली आप 30 से 40 ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ठीक है। जैसे करोगे तो आपका भाई देखो रिवार्ड वाला ऑप्शन पर आओगे तो आपको कॉइन टोटल यहाँ पर दिखेगा जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया। अब इस कॉइन का वैल्यू भाई कितना है देखो, सिंपली यहाँ पर क्लेम नंबर पर क्लिक करो, मेरा 142 कॉइन है जिसका वैल्यू भाई 35 रुपये है, यानी कि 4 कॉइन का आपको 1 रुपया मिल रहा है। अभी मैं इसको विड्रॉ भी करूँगा, इंस्टेंट मेरे बैंक में भी आएगा, ठीक है। उससे पहले भाई मैं अपने ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिखाता हूँ पेटीएम का, ठीक है। अभी मैं जाकर सीधा विड्रॉ इसको करूँगा, यहाँ पर कंटिन्यू पर सीधा क्लिक करूँगा, देखो ऊपर से नोटिफिकेशन आएगा भाई, बुम हो गया बैंक में, मैं बैंक में मेरा आ गया। और अभी मैं बैंक का आपको अंदर का प्रूफ दिखाता हूँ, देखते हो कि मेरा अंदर का ये 35 से 50 रुपये मेरे को रिसीव हो गया भाई। देखते हो एकदम इंस्टेंट 1 सेकेंड में भाई पैसा रिसीव हो जाता है ये आपके बैंक अकाउंट में, देख सकते हो भाई एकदम 1 सेकेंड में, ठीक है। तो आप ऐसे करके ना डेली आप ऐसे कर सकते हो, डेली का डेली आप आओ क्यू ऐप पर ऐसे ही ट्रांजेक्शन करो UPI पर और स्कैन एंड पे करो करो, और डेली का भाई अगर आपके पास एक अकाउंट होगा डेली का 30 से 40 रुपये करनी होगा, अगर 2 अकाउंट तो भाई उस समझ जाओ कि 70-80 रुपये का डेली करनी होगा भाई। भाई ऐसे करके ना आप डेली का यहाँ से अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। और भाई मेन बात यह है ना कि भाई एक UPI ID आपको मिल रहा है, मतलब कहीं भी किसी भी एप्लीकेशन का भाई अर्निंग वाला है उसमें अपना UPI ID डालो और पैसा निकालो आपके इस बैंक अकाउंट में आ जाएगा, जो भी इस नंबर से आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा भाई। ये बहुत मेरे को अच्छा लगा क्योंकि आगे चल के फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अब इसमें रेफर एंड अर्न का कोई सिस्टम नहीं है तो आप इसमें हो सकता है बाद में आएगा, ठीक है, लेकिन आप समझ जाओ इसको जाकर डाउनलोड करके और इसको डेली पेटीएम यूज़ करो, ठीक है। अभी देखो बात करते हैं भाई दूसरे लूट के बारे में, दूसरा लूट जो कि भाई देख सकते हो मेरा विड्रॉल हुआ है 340 रुपये का, मैंने विड्रॉ किया था और मेरे को पेमेंट रिसीव हुआ है टोटल 306 रुपये का, मतलब इसमें 10% का चार्ज करके और मेरे को 306 रुपये का रिसीव हुआ है, और जो कि भाई इंस्टेंट रिसीव हुआ है, 5 से 10 मिनट में पेमेंट आ जाता है इसका। तो आपको इसको कैसे लूटना है वो भी आपको मैं बता दूंगा, कैसे लूटना है आपको, इसे कैसे अकाउंट बनाकर कैसे लूटना है, जो कि भाई बहुत लोगों को पता भी हो चल गया क्योंकि मैं इस पर इसको टेलीग्राम पर डाला था पहले, ठीक है, कि आपको इसमें कैसे करके अकाउंट बनाकर लूटना है। तो देखो सबसे पहले ना आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या टेलीग्राम मिल जाएगा, सीधा आपको जाना है इस मोबाइल नंबर पासवर्ड डाल के इसमें अपना अकाउंट बना लेना है, ठीक है। मोबाइल नंबर पासवर्ड डालोगे, OTP डालोगे, इसमें अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आओगे तो एक फ्री वाला प्लान दिखेगा, ये 12 वाला लेस 0 रुपये, इसको क्लिक करके यहाँ पर लेस पर क्लिक कर लेना क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया है। तो आप इसको कर लेना आपको डेली का ना 12 रुपये मिलेगा 90 दिनों तक, टोटल आपको 90 दिनों में 1,080 रुपये का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये आपको डेली का अर्निंग होगा, ये फ्री वाला अर्निंग है, ठीक है। अब उसके बाद नीचे वाला भाई एक 460 रुपये का, जो कि आपको 460 रुपये इन्वेस्टमेंट करना होगा, उसके बाद डेली का 60 रुपये इनकम होगा 35 दिन तक, जो टोटल आपको 2100 प्रॉफिट होगा। और उसके बाद भाई देखो इसमें इस तरह बहुत तरह है, लेकिन उसके बाद ऊपर में एक चेकिंग का ऑप्शन है जो कि भाई डेली का 8 रुपये यहाँ पर मिलेगा, चेकिंग करोगे ना तो डेली का 8 रुपये मिलेगा। अभी यहाँ पर देख सकते हो मेरा प्लान टोटल दोनों एक्टिव है, फ्री वाला भी और मेरा 460 रुपये जो कि डेली का 60 रुपये का अर्निंग होगा, ये दोनों प्लान मेरा एक्टिव है और वो 8 रुपये, यानी कि टोटल डेली का मेरा अर्निंग 80 रुपये। उसके बाद मिनिमम विड्रॉल इसका 230 रुपये है और इसका डेली का विड्रॉल का टाइम भाई 10 बजे सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक आप इसमें विड्रॉ करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, ठीक है, 10 बजे से 6 बजे। उसके बाद करोगे तो भाई आपका पेंडिंग में चल जाएगा, आपको अगले दिन मिलेगा, ठीक है। तो पेमेंट की कोई टेंशन नहीं, अभी पेमेंट मिला ही एक पावर बैंक जैसा ही है, ठीक है। अभी देखो इसमें ना आपको रिचार्ज कैसे करना वो बताता हूँ कि अब रिचार्ज वाला ऑप्शन क्लिक करना, उसके बाद मिनिमम रिचार्ज 460 रुपये का और इसमें कोई भी प्लान चूज करके और रिचार्ज पर ऑप्शन पर क्लिक करना। उसके बाद आपका पेमेंट मेथड रह जाएगा, आप किसी से भी फोनपे, पेटीएम, गूगल पे से किसी भी पेमेंट कर सकते हो 460 रुपये, जो कि यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप आकर यहाँ पर प्लान बाय कर लो 460 रुपये क्लिक करके और इसमें उसके बाद बाय कर लो। उसके बाद आपको भी डेली का 60, 12 और 8 डेली का 80 रुपये मिलने लगेगा, ठीक है। तो भाई आप चाहो तो कर सकते हो, मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कैसे रिचार्ज करके ऐसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद इसमें विड्रॉल कराओगे तो यहाँ पर मिनिमम विड्रॉल 230 रुपये का और विड्रॉ करोगे तो आपको 10% का चार्ज देना होगा, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत नहीं आप देख सकते। उसके बाद यहाँ पर फंड पासवर्ड, ट्रांजेक्शन पासवर्ड सेट करना होगा तो आप सेट करना 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके, ठीक है। तो भाई मेन बात ये है ना भाई कि अगर आप फ्री वाला विड्रॉ करोगे, मान लो फ्री वाला इन्वेस्ट कोई 1 रुपये भी इन्वेस्ट नहीं करते, तो आपको 35 दिन तक विड्रॉ करोगे तो आपको 35 दिन तक होल्ड पर रखेगा, मतलब 35 दिनों के बाद आपको पेमेंट मिलेगा अगर फ्री वाला विड्रॉ करते हो तो। लेकिन अगर रिचार्ज करके करते हो तो आपको डेली आप इसमें विड्रॉ कर सकते हो, डेली आपको पैसा भी मिलेगा, ठीक है। तो मैं ये बताना था मैं आपको बता दिया, ठीक है, कि आप अगर फ्री वाले विड्रॉ करोगे फ्री वाला पैसा तो आपको 35 दिन तक वेट करना होगा। अगर डेली का भी विड्रॉ करना चाहते हो तो आपको मिनिमम 460 रुपये रिचार्ज करना होगा और पेमेंट भी मिल रहा है इंस्टेंट, ठीक है। देख सकते हो मैंने रिचार्ज किया था 460 रुपये और विड्रॉल किया था 340 रुपये, जो कि मेरे को पेटीएम में जाकर आगे रिसीव होगा 306 रुपये, ठीक है। तो भाई ऐसा करके आप डेली का अर्निंग कर सकते हो। इसमें इन्वेस्टमेंट वाला है तो आप चाहो तो अपने रिस्क पर करना, ठीक है। मैं बोल नहीं रहा आप रिचार्ज करो है, लेकिन मैं बताती हूँ आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। तब दोनों लूट को मिस मत करना, चाहो तो भाई कीवी वाला तो और मिस भाई, आपका डेली का 30 से 40 रुपये का प्रॉफिट होगा एक अकाउंट से। अगर आपके पास बहुत सारे अकाउंट तो उससे लूट सकते हो। और टेलीग्राम भाई जाकर मस्ट ज्वाइन होना क्योंकि नया लूट आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा, जल्दी से लूट।